ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर हैं। पीएम गुवाहाटी पहुंच गए हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद वो समिट में पहुंचे। पीएम यहां द एडवांटेज असम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2018 का उद्घाटन करेंगे। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के मच्छल सेक्टर में शुक्रवार को सेना की एक चौकी हिमस्खलन की चपेट में आ गई, जिसमें 3 जवान शहीद और 1 घायल हो गया। यूपी की पुलिस एक्शन मोड में है और ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। पिछले 60 घंटों में मुठभेड़ के 18 मामले सामने आए हैं। इन एनकाउंटर्स में एक बदमाश मारा गया, जबकि 30 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने किया मंत्रिमंडल विस्तार, 3 नए चेहरों को मिली जगह। माना जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार से शिवराज सिंह चौहान आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश में हैं। रेप, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ के मामले को जेंडर न्यूट्रल बनाए जाने वाली याचिका को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कहा कि ये एक काल्पनिक स्थिति है और महिलाओं पर रेप और छेड़छाड़ का मामला नहीं चल सकता। भारत की पहली महिला जासूस के नाम से प्रसिद्ध रजनी पंडित को ठाणे पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने रजनी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। उन पर अपने क्लाइंट्स के अवैध तरीके से कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को पाने का भी गंभीर आरोप लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नो वीआईपी प्रोटोकॉल के पक्ष में रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने लाल बत्ती कल्चर को खत्म किया था। दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग से जब पीएम मोदी का काफिला गुजरा तो वहां ट्रैफिक नहीं रोकी गई। राजधानी दिल्ली में सीलिंग को लेकर बुलाए गए बंद का आज दूसरा दिन है। 2 दिवसीय इस बंद में करीब 25,000 दुकानें और 7,00,000 से भी ज्यादा कारोबारी संस्थानों के बंद रहने का अनुमान। दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2010 के धोलाकुआ गैंग रेप कांड के सभी आरोपियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। इससे पहले अक्टूबर 2014 में दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने मामले में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मदुरै के विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर के पूर्व प्रवेश द्वार के नजदीक भीषण आग लग गई है। देर रात हुई इस घटना के चलते इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। अफगानिस्तान ने अपने देश में घातक आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है और तालिबान को समर्थन देने का आरोप लगाया। अमेरिका में राजनीतिक मामलों के उपमंत्री टॉन शेनान ने सभी देशों को चेताते हुए कहा कि आतंकी संगठन परमाणु हथियार हासिल करने की फिराक में है। दिल्ली के खयाला इलाके में हॉरर किलिंग का खौफनाक मामला आया सामने, जहां धर्म अलग होने की वजह से बीच चौराहे पर 23 साल के अंकित सक्सेना का गला रेत कर दी गई हत्या। बताया जा रहा है कि एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़की से किया था प्यार। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में शानदार शतकीय पारी खेलने वाले इंडिया के कैप्टन विराट कोहली की काफी तारीफ हो रही है, लेकिन पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का मानना है कि अजिंक्य रहाणे का जीत में योगदान कम नहीं था। फिल्म पद्मावत में कुछ भी आपत्तिजनक ना होने के बावजूद उसे बैन कराने पर अड़ी करणी सेना ने अब यू टर्न ले लिया है। इतना ही नहीं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में जहां फिल्म बैन है, वहीं इसे रिलीज कराने में मदद करने की भी कह रही है बात। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।